Hello and welcome to Manik Smart Online Class, and today I will discuss a new short video which is based on omission of article. Well, before starting this chapter, let me tell you something about article. What is an article? As you know, articles are determiners. That means they are used before a noun. And articles are two types. One is definite article, second is indefinite article. When I say definite article refers to the. Indefinite article refers to a or an. So now come to our main topic, that is omission of article. So hum padhenge article ko kahan pe use nahi karenge. So, first thing, I have mentioned few rules which we have to follow. First, remember, article should not be used before proper noun, then material noun and abstract noun. And also remember, uncountable noun. Before uncountable noun, we should not use or we should not use article a or an. Clear? So, when you find proper noun kya hai? It's a name of a person, it's a name of a place, it's a name of a particular thing. So, before proper noun, we are not allowed to use an article. Like, your name is a proper noun, my name is also a proper noun. So, hum log hamare naam se pehle a aur an ki the nahi use karte hain. Jaise ki example diya hu yahan pe dekhiye, Sachin Tendulkar is a cricket player. We never use the Sachin Tendulkar ki a Sachin Tendulkar is a cricket player. Are you getting my point? Then, abstract noun refers to After all, refers karta hai kisko? Hamare action ko. It's a name of our action. It's a name of a feeling or emotion. Jaise ki honesty aaya. Jaise ki childhood aaya. To isse pehle hum log kabhi bhi article nahi use karte hain. Yahan pe example diya hoon. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy hota hai. Kabhi mat use kariye ki the honest is the best policy. Then come to our material noun. Material noun kya hai? It's a name. किसको रेफर करता है? नेम ऑफ मटेरियल्स लाइक द गोल्ड सिल्वर आयरन. तो वी ऑलवेज से गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. वी नेवर राइट द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. बट यहाँ पे कंडीशन है, बिफोर प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं. कब ना? अगर दीज नाउन्स आर पर्टिकुलराइज्ड. अगर प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन को हम पर्टिकुलराइज करेंगे, देन उससे पहले हम आर्टिकल दी यूज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, एग्जाम्पल कुछ दिया हूँ. देखिए, फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इससे पहले ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल दी नहीं यूज हुआ है, बट यहाँ पे देखिए लिखा हूँ द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वॉज हाईली प्रेज्ड. यहाँ पे किसका ऑनेस्टी? उसके द्वारा दिखाया ऑनेस्टी को हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं. दैट्स द रीजन यहाँ पे मैं आर्टिकल द यूज कर रहा हूँ. यहाँ पे लिखा है कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, बट यहाँ पे लिखा हूँ तो गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका. यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर दिया, कहाँ का गोल्ड? साउथ अफ्रीका का गोल्ड इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. समझ में आया आपको? दैट मीन्स याद रखिए, प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, बट आर्टिकल कैन बी यूज व्हेन दिस नाउन्स आर पर्टिकुलराइज्ड. क्लियर? एंड रिमेंबर, किसी चीज को, किसी नाउन को अगर पर्टिकुलराइज करेंगे तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज करते हैं, ना कि ए और आन का. ए और आन का एक नाम से पहले यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब आएगा? उसका कुछ अलग मीनिंग आएगा. ठीक है, तो हम नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के पास चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हूं और किससे पहले? बिफोर मील्स एंड नेम्स ऑफ किड्स. जैसे कि मिल्क ब्रेकफास्ट रहा, लंच रहा, डिनर रहा, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. गेम्स का भी नाम से पहले, जैसे कि क्रिकेट, नेवर एवर से द क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड. रॉन्ग. ऑलवेज से क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड. और वी नेवर से द हॉकी इज आवर नेशनल गेम. रॉन्ग. हॉकी इज आवर नेशनल गेम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे देखिए लिखा हूँ दे इन्वाइटेड मी टू लंच. आई डिड नॉट राइट हियर दे इन्वाइटेड मी टू द लंच. द लंच नहीं होता है, द ब्रेकफास्ट नहीं होता है, द डिनर नहीं होता है. ऑलवेज राइट लंच ब्रेकफास्ट डिनर. यस, यहाँ पे एक कंडीशन है. अगर
पर्टिकुलराइज होगा तो हम उससे पहले द यूज करेंगे. जैसे कि मैं बोलूंगा कि द ब्रेकफास्ट ऑफ गंगूराम इज वेरी टेस्टी. यहाँ पे किसका ब्रेकफास्ट में बोला? गंगूराम का ब्रेकफास्ट बोला. समझ में आ रहा है? गंगूराम बोले तो गंगूराम मीन्स एक होटल का नाम है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए द लंच विल बी हेल्ड एट द ताज होटल. यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द नहीं यूज किया हूँ, बट सेकंड सेंटेंस में द लंच विल बी हेल्ड बिकॉज हियर लंच इज पर्टिकुलराइज्ड. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखिए, ही प्लेज क्रिकेट. यहाँ पे क्रिकेट से पहले आर्टिकल नहीं यूज हुआ है, बट इन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द क्रिकेट प्लेड इन इंडिया इज ऑफ सुपीरियर स्टैंडर्ड. किसका क्रिकेट? स्पेशल क्रिकेट कहाँ पे खेला जा रहा है? इंडिया में. वो सुपीरियर स्टैंडर्ड का है. समझ में आ रहे? जब पर्टिकुलराइज करेंगे उससे पहले आर्टिकल दी और डेफिनेट आर्टिकल हम यूज करेंगे. समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में क्या मेंशन किया है? लेट्स से After the names of single mountains and single islands, आप लोगों को पता है, before the name of mountain, before the name of island, we are allowed to use article the. जैसे कि हम use करते हैं the Himalayas, the Alps use करते हैं, but Everest जब आएगा वहाँ पे the नहीं use करेंगे. Simple. ओनली एवरेस्ट यूज करेंगे क्योंकि रेफर्स टू सिंगल माउंटेन. अगर एक माउंटेन को रेफर्स करेगा तो उससे पहले आर्टिकल का नहीं यूज करना है. उस ठीक उसी तरह आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होगा, जैसे कि हम यूज करते हैं द अंडमान निकोबर, द लक्षद्वीप, बट कभी भी यूज मत करना द श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका इज अ सिंगल आइलैंड. तो सिंगल आइलैंड, सिंगल माउंटेन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है आपको. नेक्स्ट उसके बाद देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स का नेम प्रॉपर नाउन है, कंट्रीज का नेम भी प्रॉपर नाउन है, सिटीज, टाउन्स, डेज, मंथ्स, लैंग्वेज, डिजीजेस, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा है. एंड पहले से ही मैं बोला हूँ कि आप लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है. तो अगर द एशिया इज रॉन्ग, द कटक इज रॉन्ग, द मलेरिया, द इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज आया तो इंग्लिश को कभी भी नहीं बोलेंगे कि द इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज इज रॉन्ग. द इंग्लिश यूज करेंगे, द इंग्लिश किसको रेफर करेगा? द पीपल ऑफ द ब्रिटिशर्स, द पीपल ऑफ द ब्रिटेन, इसको इंडिकेट करेगा. तो द इंग्लिश नहीं करना है. ठीक उसी तरह द इंडिया होता है क्या? नहीं होता है, ओनली इंडिया होता है. बट हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करेंगे तब द यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैं बोलूंगा भुवनेश्वर इज द दिल्ली ऑफ ओडिशा. हम लोग नहीं बोलते हैं कि द दिल्ली इज आवर क्या बोल सकते, इज आवर कैपिटल. ए रॉन्ग है. हम बोलेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. नेवर एवर से द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. बट यहाँ पे क्या किया, भुवनेश्वर इज द दिल्ली ऑफ ओडिशा, मन भुवनेश्वर ओडिशा का दिल्ली है. यहाँ पे भुवनेश्वर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ? दिल्ली के साथ. इसीलिए कंपेरिजन के केस में मैं प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दी यूज किया. समझ में आ रहा है? डिजीज के पास कभी मत बोलना कि मलेरिया, द मलेरिया इज रॉन्ग है, ओनली मलेरिया बोलिए. मलेरिया इज क्यूरेबल बोलिए, द मलेरिया इज क्यूरेबल नहीं यूज होता है. समझ में आया? डे के पहले भी द मंडे, द संडे नहीं होगा, बट स्पेसिफाई करेंगे द मंडे व्हेन आई मेट हिम. द मंडे मीन्स वो मंडे था, स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ. जब मैं पर्टिकुलराइज और स्पेशलाइज कर रहा हूँ उससे पहले आर्टिकल दी का यूज कर सकता हूँ, बट जनरल केस में डे के पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करते हैं. समझ में आए? वेल, बिफोर द कलेक्टिव नाउन्स, दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन के पहले हम आर्टिकल का नहीं यूज करेंगे. पर्टिकुलरली कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होता है जैसे कि मैनकाइंड, पार्लियामेंट, कैटल एंड सोसाइटी. पहले से आपको बोला था प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन से पहले नहीं यूज होता है. अभी याद रखिए, कुछ कलेक्टिव नाउन से उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. पर्टिकुलरली एग्जाम ओरिएंटेड कुछ वर्ड है जैसे कि मैनकाइंड, पार्लियामेंट, सोसाइटी एंड कैटल, इसको याद रखिए. देन उसके बाद चलते हैं बिफोर सम कलेक्टिव नाउन, सम कॉमन नाउन इन इट्स वाइडेस्ट टेंस. जैसे कि आप अगर कुछ कॉमन नाउन मिलेगा आपको, लाइफ, साइंस, लव, नेचर, डेथ, मैन, ओमेन, इससे पहले आर्टिकल का यूज अवॉइड करिए. जैसे कि आप, यू शुड नॉट राइट द मैन इज मोर्टल. क्या लिखना है आपको? मैन इज मोर्टल. यू शुड नॉट राइट द साइंस हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द लाइफ, इन आवर लाइफ. यू शुड राइट साइंस हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन आवर लाइफ. द साइंस नहीं होता है, साइंस होता है. Until unless these words are particularized,
जब तक ये वर्ड पर्टिकुलराइज नहीं होता है तब तक आर्टिकल दी का यूज मत करिए, समझ में आया। देन उसके बाद चलते हैं कुछ अलग नाउन के पास, जैसे कि हेल रहा, हीवन रहा, गॉड रहा, पार्लियामेंट रहा, पैराडाइज रहा। इस सब नाउन के पहले भी आर्टिकल का अवॉइड करिए, अंटिल अनलेस दैट पर्टिकुलराइज। वी से गो टू हेल, ना कि वी से गो टू द हेल, समझ में आ रहा है। वी से गॉड ब्लेस यू, वी नेवर से द गॉड ब्लेस यू। सो आर्टिकल शुड बी अवॉइडेड, और डेफिनेट आर्टिकल द शुड बी अवॉइडेड व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड इन जनरल सेंस, बट व्हेन दे आर पर्टिकुलराइज वी हैव टू यूज आर्टिकल दी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या मेंशन किया हूं? नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन फॉलोइंग काइंड ऑफ। याद रखिए, कोई नाउन फॉलो काइंड ऑफ के बाद यूज होता है, उससे पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है। व्हाट काइंड ऑफ ए हॉबी इज दिस, ए रॉन्ग है। व्हाट काइंड ऑफ हॉबी होता है, ना कि अ हॉबी। यहाँ पे आर्टिकल का अवॉइड करिए। काइंड ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज मत करिए। नेक्स्ट चलते हैं। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल, ब्रदर, सिस्टर। ए रिलेशन नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो मदर वुड लाइक टू सी यू, ना कि द मदर वुड लाइक टू सी यू। यस, हम द यूज कर सकते हैं अगर ये पर्टिकुलराइज होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सिंग द ऑर्फान, सिंग द ऑर्फान, द फादर इन हिम वोक अप। एक ऑर्फान को देख के उसके अंदर जो पिताजी का जो गुण था वो निकल आया, समझ में आ रहा है। बिफोर नेम्स ऑफ सीजन्स, फेस्टिवल, हॉलीडेज, डिजीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटीज, स्ट्रीट्स एंड रोड, वाई दीज आर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे कि आप कभी मत बोलिए कि आई हैव पास फ्रॉम द रेवेंशा यूनिवर्सिटी, ऑलवेज आई हैव पास फ्रॉम रेवेंशा यूनिवर्सिटी। नेवर एवर से द उच्कल यूनिवर्सिटी, ऑलवेज से उच्कल यूनिवर्सिटी, समझ में आ रहा है। स्ट्रीट्स के नाम पर पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। रोड के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। वी नेवर से द महात्मा गांधी रोड, वी से महात्मा गांधी रोड। वी नेवर से द लुइस रोड, वी से लुइस रोड, समझ में आ रहा है। तो फेस्टिवल, हॉलीडे, डिजीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, स्ट्रीट्स और रोड के पहले आर्टिकल का यूज मत। बिफोर द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बट इन पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर इट, देन आर्टिकल कैन बी यूज। अभी समझते हैं क्या लिखा है। बिफोर द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे कि नेवर एवर से द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, द लीवर नहीं लिखा जाता है, ऑलवेज क्या लिखा जाता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ही वॉज हिट इन हैंड। देखिए, इससे पहले हैंड है, ये अगर लिखूंगा ही वॉज हिट इन हैंड, देन दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ही वॉज हिट इन हैंड, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। वाई? बिकॉज अगर ये हैंड के पहले एक पॉजिटिव प्रनाउन की पॉजिटिव प्रनाउन यूज होता है, देन उस पॉजिटिव प्रनाउन के बदले में हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। तो ही वॉज हिट, किसके हैंड, उसके हैंड को हिट किया है, दैट मीन्स ही वॉज हिट इन द हैंड होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो इफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर इट, अगर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव उस नाउन के पहले, बॉडी पार्ट के पहले यूज होता है या रिक्वायर करता है, उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल डी का यूज कर सकते हैं। इसीलिए ही वॉज हिट इन हैंड एक रॉन्ग है, बट अगर लिखेंगे ही वॉज हिट इन द हैंड, देन इट वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई स्ट्रॉक हिम ऑन द हेड लिखा हो, ना कि नॉट हीज हेड, हीज हेड नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा है लिखेंगे, द हेड लिखेंगे। आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर, देखिए आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर मीन्स आई पैटेड हिम ऑन हिज शोल्डर, किसके, उसके शोल्डर के ऊपर पैट किया, तो इसलिए द लिखा है। तो ये याद रखिए, बॉडी पार्ट के पहले यूज नहीं होता है, बट उस बॉडी पार्ट के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके बदले में हम आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हूं क्या, देखिए। बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन,
इस सब प्लेस के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे व्हेन दे आर विजिटेड फॉर प्राइमरी पर्पस। याद रखिए, अगर ये प्लेसेस को हम प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि वी से आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट, आई डोंट राइट, आई डोंट से आई गो टू द स्कूल, क्योंकि स्कूल में क्यों जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो आई गो टू स्कूल होता है, आई गो टू द स्कूल नहीं होता है। बट ठीक उसी तरह अगर मैं बोलूंगा माई फादर गोज टू स्कूल, देन इट विल बी रॉन्ग। क्यों होगा? माई फादर स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं, शायद कुछ कंप्लेन होगा या कुछ पूछताछ करने के लिए स्कूल जाएंगे, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? माई फादर गोज टू द स्कूल। फर्स्ट देखिए, मैं जब स्कूल जाता हूँ वो मेरा प्राइमरी पर्पस था, बट माई फादर जब स्कूल जाएंगे कुछ प्राइमरी पर्पस से अलग होगा, कुछ उनका सेकेंडरी पर्पस होगा। तो याद रखिए, इस सब प्लेसेस के पहले आर्टिकल नहीं यूज होगा जब ये इंडिकेट करेगा कि प्राइमरी पर्पस को। अदर देन प्राइमरी पर्पस को इंडिकेट करता है तो हम आर्टिकल दी यूज करेंगे। अभी समझते एग्जांपल की तरफ, माय फादर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। स्टिल इन हॉस्पिटल मींस माय फादर इज एडमिटेड, दैट मींस माय फादर इज अ पेशेंट। बट अगर मैं लिखूंगा आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फादर, यहाँ पे क्या होगा? मैं हॉस्पिटल गया मेरे फादर को मीट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं पेशेंट नहीं हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। एज अ सन आई जस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फादर। मेरा जाना सेकेंडरी ड्यूटी, सेकेंडरी पर्पस को इंडिकेट कर रहा है, बट मेरे पापा का वहाँ पे रहना प्राइमरी पर्पस हो रहा है, क्योंकि वो पेशेंट है। समझ में आया? वी गो टू चर्च एवरी डे। चर्च को एवरी डे क्यों जाते हैं? प्रेयर करने के लिए, तब होगा वी गो टू चर्च। बग मैं लिखूंगा वी गो टू द चर्च एवरी डे टू सेल द फ्लावर। चर्च में तो फ्लावर नहीं, टू सेल द कैंडल। कैंडल सेल करने के लिए हम हर दिन चर्च को जाते हैं, तो वहाँ पे द चर्च होगा, बिकॉज वहाँ पे प्राइमरी पर्पस नहीं, सेकेंडरी पर्पस आता है। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए, इफ कॉमन नाउन इज यूज इन वोकेटिव केस, वोकेटिव केस में अगर कोई कॉमन नाउन यूज होता है तो उसके पहले द का यूज नहीं होता है। नेवर एवर से कम हियर द बॉय, ऑलवेज से कम हियर बॉय। बॉय यहाँ पे वोकेटिव केस है। द लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं होता है, ऑलवेज हम बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन को हम क्या कहते हैं ना, वोकेटिव केस के हिसाब में यूज करते हैं। तो कभी मत यूज करिए द लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज से लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव टू से लॉट टू यू। तो यहाँ पे द का रिमूव करिए। आया? ठीक उसी तरह कोई आर्टिकल आपको यूज नहीं करता है, नहीं करना है बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसफर। नेवर एवर से बाय द ट्रेन, वी वेंट दिल्ली बाय द ट्रेन, रॉन्ग होता है। बाय ट्रेन होगा, बाय प्लेन होगा, बाय एरोप्लेन होगा, बाय बस होगा। बाय द बस नहीं होता है, बाय द कार नहीं होता है, बाय कार बोलिए, बाय बस बोलिए, बाय ट्रेन बोलिए। समझ में आया? कुछ फ्रेजेस होता है उससे उसके साथ आर्टिकल नहीं यूज होता है, जैसे कि एट होम, आई एम एट होम होता है, आई एम एट द होम नहीं होगा। वी आर ऑन ड्यूटी होता है, ना कि ऑन ड्यूटी नहीं होता है। तो याद रखिए, एट होम, एट वर्क, एट यूनिवर्सिटी, इन चर्च, इन हैंड, इन डेट, बाय नाइट, एट सनराइज, एट नून, एट नाइट, एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन हॉलीडे, इन प्रिजन, बाय नेम, बाय वाटर, बाय रिवर, अंडरग्राउंड, अबव ग्राउंड, ये सब पहले और इसके बीचों में कभी भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। सो होप यू पीपल लाइक आवर वीडियो विच इज बेस्ड ऑन ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इफ यू वॉन्ट सच टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर बणिक यूट्यूब चैनल। थैंक यू।